दा टीवी। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पबजी गेमर्स ने एलियंस से जंग लड़कर जीत हासिल की। एलियंस से जंग जीत हासिल करके गेमर्स फिर से धरती पर आए। धरती पे आने पर उन लोगों ने कैटरीना वायरस देखा। कांटे जैसे दिखने वाले वायरस को देखकर पबजी गेमर्स चौंक गए। हे, कौन है आप लोग? हमारी धरती पर आपका क्या काम? हम धरती से नहीं बल्कि आपसे काम है। आपके फेफड़े हमारा घर है। हो कौन आप? हम कौन है? सारी धरती के लोग को कपकपाने वाले कैटरीना वायरस है हम। कैटरीना कैफ, मुझे तो बहुत पसंद है कैटरीना कैफ। अशोक ने बाबू को एक चाटा लगाकर कहा। उसने कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना वायरस बोला। वो कौन है? कैटरीना कैफ की बहन है क्या? सुधरोगे नहीं क्या तुम? चुप रहो। ऐसा बाबू से कहकर वायरस से, ए, हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं है, पबजी गेमर से हम। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा? जी, हम तुम्हें आलतू फालतू लग रहे हैं क्या? सारी धरती हमें देखकर कांप रही है। अमेरिका को भी हिला के रख दिया है हमने। हमसे जो पंगा लेगा उसको ये धरती छोड़कर जाना होगा। आप सारी धरती को जीत सकते हो लेकिन हमें नहीं। हम तो आकाश पे जीत हासिल करके आए हैं। हमने एलियंस को मार भगाया है, पबजी गेमर से हम। तो फिर हमसे युद्ध करो। हमसे युद्ध करने वाले वीर हो क्या तुम लोग? कोई शक? भाई, ये बेकार की बातचीत मुझे समझ नहीं आ रही है। 5 लोग हैं, अगर सबको मार दिया तो किस्सा खत्म हो जाएगा। क्या रे, हमें मार दोगे तुम? इतना दम है तुम लोगों में? कुछ दिन हुआ आए हो। हम कब आए इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने तो वायरस फैला दिया ना, ये असली बात है। अरे, एक बुलेट ही काफी है तुम्हारे सर टुकड़े टुकड़े करने के लिए। भाई, मुझे मारने के लिए तुम्हें बुलेट चाहिए? मैं तो सिर्फ एक हैंडशेक से, खांसी से मार दूंगा। बात ना सुनकर बाहर घूमने फिरने से हर जगह किसी भी तरह जैसे चाहे वैसे मार दूंगा। बिना किसी मेहनत के सबको मार दूंगा। तो फिर तैयार रहना पबजी जवानों, तैयार हो जाओ। कहीं से भी आकर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। इस वायरस के टुकड़े टुकड़े कर दो। ऐसा कहा और सब अपने अपने गन्स हेलमेट पहनकर तैयार हो गए। वायरस तो इधर उधर थे, उनके हाथों में कोई तलवार, गन्स, युद्ध की कोई भी चीज नहीं थी। ये लोग वायरस पर बुलेटों की बारिश कर रहे थे। वायरस उन गोलियों से बच रहे थे और उन गोलियों से बचने के लिए दूसरों को घरों पर, पेड़ों पर कूद रहे थे। अशोक की बंदूक से निकली हुई गोली वायरस के जिस्म के पार करने लगी लेकिन वायरस मरा नहीं। अशोक यह देखकर चौंक गया। बाबू अपनी बंदूक की गोलियों से वार कर ही रहा था, बाबू की गोली वायरस के सर को लगी और सर फट गया। देखा, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। ऐसे खुश हो रहा था, इतने में फटा हुआ सर अपने आप जुड़ने लगा। वह देखकर बाबू चौंक गया। फिरोज की बंदूक से निकली हुई गोली को वायरस ने अपने मुंह में डालकर चबा दिया। दूसरा वायरस हाथ में बैट पकड़कर आ रही बुलेट से क्रिकेट खेलने लगा। इस तरह पबजी गेमर्स इतनी मेहनत करने पर भी वायरस को नहीं मार सके। वायरस को किस तरह मारे ये पूछने के लिए बाबू अशोक के पास आया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर, अरे वो वायरस तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा, उसका सर फटा और फिर से जुड़ने लगा। वो तो बुलेट को बॉल समझकर क्रिकेट खेल रहा था और गोलियों को मूंगफली समझकर मुंह में डालकर चबा रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल होगा इनको मारना। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। फिर कैसे? ऐसा सोचते हुए उन लोगों को एक कागजात दिखी। उन लोगों ने उस कागज को उठाकर देखा। उस कागज में कैटरीना से बचने का सारी जानकारी लिखी हुई थी। ये कैटरीना वायरस कितने दिन में जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी थी उस कागज में। सब कुछ पढ़कर, अरे यार, क्या कहा उस वायरस ने? हैंडशेक से मार दूंगा, खांसी से मार दूंगा, जुकाम से मार दूंगा, बाहर फिरने वालों को, हर जगह जाने वालों को कैसे भी मार दूंगा, ये कहा था ना उसने? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा था। तो इसका एक ही उपाय है, सामाजिक दूरी रखना, घरों से बाहर नहीं निकलना, हाथ साफ रखना। ऐसा करे तो हमें उस वायरस को मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मर जाएगा। सही बात है ना? हाँ, इस कागज में वही लिखा है। तो ठीक है। ऐसा कहकर सबको बुलाया। सब आए। अशोक ने बाबू से जो कहा वे सभी को बताने लगा। सबने सुनकर ऐसे करने की ठान ली और अपने घर जाकर दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करने पर लॉकडाउन नाम रखा। वायरस बाहर फिर रहा था ताकि लोगों के बाहर आने पर वे उन लोगों को लग जाए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा था।
घरों के आसपास डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया, सारा घर साफ कर दिया, हाथों को साबुन से धोने लगे, अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया, हाथों में ग्लव्स पहनकर सामाजिक दूरी बनाए रखने लगे। अशोक घर में बैठकर, अब आओ, बिना कोई तकलीफ के मारने को बोला था ना, अब आओ, घर पर एसी डालकर बैठा हूँ, आओ। ऐसे वायरस को बुलाने लगा। वायरस घर के अंदर आने की कोशिश करने लगा, पर आ नहीं सका, डरकर वहीं खड़ा हो गया। ऐसे सब लोग घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने लगे। कुछ ही दिनों में वे वायरस एक के बाद एक नीचे गिर के मरने लगे। मरे हुए वायरस को 5 लोग आकर उसकी ओर देखते हुए, तुमने सारे देश को हिलाया, लेकिन हम पबजी गेमर्स को नहीं, अगर हमसे पंगा लोगे तो बचोगे नहीं। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, सब यह कहकर चिल्लाने लगे। एक शहर में दो भाई बहन रहते थे, मिताली और मेहुल। मिताली अच्छे स्वभाव की थी और बुद्धिमान भी, पर मेहुल मतलबी और लालची किस्म का इंसान था। मिताली, मैं ना एक ढाबा स्टार्ट करने को सोच रहा हूँ। हाँ भैया, मस्त आइडिया है, हाईवे है, अच्छा चलेगा, मैं वहाँ पनीर बटर मसाला बनाया करूँगी। अरे छोड़ो, आजकल कहाँ कोई वेज खाता है, अब मैं तो सिर्फ नॉन वेज ढाबा ही खोलने वाला हूँ। मेरे पनीर बटर मसाला से आपका ढाबा फेमस हो जाएगा। ठीक है, चल चल देखते हैं फिर। फिर दोनों ने नया ढाबा चालू कर दिया। मैनेजमेंट मिताली देखती थी और पनीर बटर मसाला भी बनाती थी, इधर मेहुल गल्ले पे बैठता था। जल्द ही वो ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा। उस एरिया में मेहुल का अच्छा नाम हो गया था और काफी दूर दूर से लोग खाने आते थे। हर रोज कम से कम 10 प्लेट पनीर बटर मसाला के ऑर्डर आते थे। भैया, मेरी सैलरी कब दोगे? अरे किस बात की, तुझे यहाँ पनीर बटर मसाला बनाने देता हूँ, वही बड़ी बात है। हाँ, इस ढाबे की सफलता में मेरे पनीर का भी हाथ है। बढ़िया ही। अरे तुझे उंगली क्या दी, तूने तो हाथ ही पकड़ लिया। बाप रे बाप, अब सारा क्रेडिट मैडम का। चल, नहीं चाहिए तेरा काम और ना ही तेरा पनीर, चल निकल अभी, घर जा। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है, पनीर पनीर लाड़ती रहती है, खाम खा, जा घर जा। कुछ दिन बाद मिताली ने कुछ पैसे जोड़कर मेहुल के ढाबे के पास ही अपना खुद का ओनली वेजिटेरियन ढाबा खोल दिया। धीरे धीरे मिताली का ढाबा अच्छा चलने लगा और मेहुल का धंधा चौपट होने लगा। ए भगवान, आजकल तो सिर्फ एक दो लोग ही आते हैं ढाबे पे, मैंने तो मिताली को भगा के गलती कर दी, अब कौन सा मुंह लेके उसके पास जाऊं? यहां बैठे बैठे मक्खी मारने से तो बेहतर है उसके पास जाकर माफी मांग लेता हूँ। भैया, क्या हाल है? सॉरी मिताली, तुम्हारे पनीर बटर मसाले की मांग आज भी लोग करते हैं, मेरा धंधा तो मंदा हो गया है। सच में तुम्हारी वैल्यू नहीं किया ना मैंने। चलो, जो हो गया सो हो गया, मुझे तुम्हारे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? हाँ, गल्ला तुम ही संभालना, बट आई एम द बॉस। दोनों मिलजुल कर धंधा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका ढाबा ट्रैक पर आ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से मतलब निकालकर उन्हें दूर कर देना अच्छी बात नहीं है। किसी दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।